अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो सेकंड ईयर कंप्यूटर का गैस पेपर है उससे हवाले से, यानी कंप्यूटर के कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए और आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में और आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में और एक अच्छा ग्रेड बनाने के अंदर। इसके साथ साथ ही हम लॉन्ग क्वेश्चंस की भी बात करेंगे कि चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज ही लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे कि किन किन चैप्टरों में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और सब चैप्टरों के कौन कौन से ऐसे शॉर्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन सब के मुतल्लिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप उससे हेल्प ले सकेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर गैस से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको फर्स्ट ईयर के गैस चाहिए तो वो उनकी वीडियोस भी हमने अपलोड कर दी हैं हमारे चैनल पर, जाकर उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। मज़ीद गैस से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अच्छा, अब बात करते हैं अब आज की इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर के गैस के हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की, कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चैप्टर वन की बात करें तो चैप्टर वन के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन वो है डिस्क्राइब डाटा मैनिपुलेशन, यानी डाटा मैनिपुलेशन को आपने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है व्हाट इज़ अ फील्ड, फील्ड से क्या मुराद है, यानी फील्ड क्या है इसकी आपने डेफिनेशन बतानी है। उस पर डिफाइन प्रोग्राम फाइल विद एग्जांपल, प्रोग्राम फाइल को आपने एग्जांपल के साथ, उस पर डिफाइन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ करनी है। उसके बाद नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, और जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट फाइल्स हैं उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान आपने फ़र्क करना है। उसके बाद डिफाइन डाटा प्रोसेसिंग, यानी डाटा प्रोसेसिंग की आपने तारीफ करनी है। उसके बाद है डिफाइन रिडेंडेंसी की तारीफ करनी है आपने। उसके बाद नेम टू फीचर्स ऑफ DBMS, यानी जो DBMS है उसके दो फीचर्स के आपने नाम लिखने हैं। ये थे जी चैप्टर वन के शॉर्ट क्वेश्चंस। अब बात करेंगे चैप्टर टू के हवाले से कि चैप्टर टू में कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर टू की अगर बात करें तो उसमें व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन की प्रॉपर्टीज आपने बतानी है। डिफाइन इंडेक्सेस को आपने तारीफ करनी है उसकी। उसके बाद डिफाइन फॉरेन की आपने तारीफ करनी है। डिफाइन की तारीफ करनी है। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ की, और जो मुख्तलिफ टाइप्स की कीज़ हैं उनकी आपने लिस्ट बतानी है। डिफाइन डाटा एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करनी है आपने। आगे अगर बात करें तो डिफाइन टेबल, यानी टेबल से क्या मुराद है, या रिलेशन, टेबल या रिलेशन। उसके बाद हाउ आर रिलेशन इज़ फॉर्म्ड इन डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर रिलेशन कैसे बनता है वो आपने बताना है। व्हाट इज़ एन इंटेंटिटी इन एन ईआरडी, यानी ईआरडी के अंदर इंटेंटिटी से क्या मुराद है। हु इज़ यूज़र और इंड यूज़र, यानी यूज़र क्या है और या फिर इंड यूज़र क्या है, यूज़र और इंड यूज़र क्या है, कौन है, ये आपने बताने हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग व्यूज, यानी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग व्यूज़ को यूज़ करने का पर्पस क्या है। ये थे चैप्टर टू के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर अब हम बात करेंगे चैप्टर थ्री की बात करेंगे, चैप्टर थ्री में कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के हवाले से। चैप्टर थ्री की अगर बात करें तो उसमें है डिफाइन एंड एट्रीब्यूट, यानी एंड एट्रीब्यूट को आपने डिफाइन करना है, तारीफ करनी। उसके बाद डिफाइन डाटा मॉडलिंग, डाटा मॉडलिंग को डिफाइन करना है।
उसके बाद डिफाइन द पर्पस ऑफ फैसिबिलिटी ऑफ स्टडी, यानी जो फिजिबिलिटी स्टडी है उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम क्या है, ये एटलीस्ट फोर शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि चैप्टर थ्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब चैप्टर फोर की बात करेंगे कि चैप्टर फोर के कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर फोर की बात अगर करें तो इसमें है ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी, यानी ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी क्या है, उस पर डिफाइन इंटेंटिटी, इंटेंटिटी की तारीफ, डिफाइन इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी की तारीफ, साइनोनिम्स क्या होते हैं, डेटाबेस इंटेग्रिटी क्या है, पार्शल डिपेंडेंसी क्या है, ये एक दो तीन ये थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर फोर में से आपको आएंगे। चैप्टर फाइव की बात करें तो उसमें से है RDBMS। RDBMS क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट, फॉर्म और रिपोर्ट के दरमियान फ़र्क, डेटाबेस विजार्ड क्या होते हैं, सैम्पल डेटाबेस क्या है, ये आपने याद करना है। हाउ क्यूरी इज़ रिटन, क्यूरी को किस तरीके से लिखा जाता है, ये आपने देखना है। उसके बाद लिस्ट सम एडवांटेजेस ऑफ IDE, यानी जो IDE है उसके एडवांटेजेस कुछ लिखने हैं। यूजेस ऑफ MS एक्सेस, MS को एक्सेस करने के जो यूजेस हैं वो आपने लिखने हैं। रिपोर्ट्स क्या होती हैं, इनलिस्ट द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन विंडो इन MS एक्सेस, आपने पार्ट ऑफ एप्लीकेशन विंडो के जो है लिखने हैं MS को एक्सेस करने में। ये थे जी चैप्टर फाइव के शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद आप चैप्टर सिक्स की बात करते हैं। चैप्टर सिक्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले है प्राइमरी की, प्राइमरी की डेफिनेशन आपने याद करनी है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डाटा शीट व्यू इन MS एक्सेस, यानी जो डाटा शीट का यूज़ है MS को एक्सेस करने में वो आपने याद करना। उसके बाद कॉर्डिनेटली ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, ये आपने याद करने हैं। उसे आगे अगर बात करें तो डिग्री ऑफ रिलेशन क्या है, राइट डाउन टू टेबल व्यू वाइज अवेलेबल इन एक्सेस, यानी दो टेबल आपने लिखने हैं जो कि अवेलेबल हों इन एक्सेस वाइज को एक्सेस करने में। चैप्टर सिक्स के बस इतने ही क्वेश्चन हैं। अब चैप्टर सेवन की तरफ चलते हैं। चैप्टर सेवन की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले है सब फॉर्म, सब फॉर्म क्या होते हैं। उसके बाद यूजेस ऑफ कोलुमिनर फॉर्म्स, कोलुमिनर फॉर्म्स के यूजेस आपने याद करें। उसके बाद पर्पज़ ऑफ कंट्रोल नेमिंग कन्वेंशन, जो कंट्रोल नेमिंग कन्वेंशन का पर्पज़ है वो आपने याद करना है। उसके बाद सिंटैक्स ऑफ मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स का सिंटैक्स आपने तैयार करना है। आगे अगर बात करें तो व्हाट आर मेथड इन VB, VB का मेथड्स, प्रॉपर्टी विंडो क्या है, कोड विंडो क्या है, ये चैप्टर सेवन के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब चैप्टर एट की बात करेंगे। चैप्टर एट के अंदर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तारीफ, केस सेंसिटिव इन सी लैंग्वेज, यानी जो केस सेंसिटिव है सी लैंग्वेज के अंदर वो आपने याद करना है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपने याद करना। उसके बाद प्रोग्रामर कौन होते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉजिकल एरर्स और सिंटैक्स एरर के दरमियान फ़र्क, हेडर फाइल्स आपने याद करनी है, कंपाइलर एंड असम्बलर क्या होते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, ये आपने याद करना है। उसके बाद डेलीमीटर्स क्या होते हैं और रन टाइम एरर्स क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामर लैंग्वेज क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, डिफरेंशिएट बिटवीन विजुअल प्रोग्रामिंग एंड इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो विजुअल प्रोग्रामिंग है और इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनके दरमियान आपने फ़र्क बताना है। उसके बाद व्हाट इज़ नेट फंक्शन क्या है और VBA क्या होते हैं, ये थे चैप्टर एट के शॉर्ट क्वेश्चंस। अब चैप्टर नाइन की तरफ चलते हैं कि उसके कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नाइन की अगर बात करें तो उसमें से डिफाइन आइडेंटिफायर विद एग्जांपल, आइडेंटिफायर को एग्जांपल के साथ आपने डिफाइन करना। उसके बाद डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल के दरमियान फ़र्क आपने बताना है, डिफरेंशिएट बिटवीन। उसके बाद वेरिएबल्स एंड टू रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। उसके बाद यूजेस ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट के यूजेस, यानी जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है उसको किस तरह यूज़ किया जाता है। उसके बाद ऑपरेटर प्रीसीडेंट, ऑपरेटर प्रीसीडेंट। उस पर डिफाइन कांस्टेंट, कांस्टेंट की तारीफ, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, मुख्तलिफ टाइप्स के जो कांस्टेंट हैं उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद करैक्टर कांस्टेंट,
कीवर्ड्स क्या होते हैं, कंटिन्यूएशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये चैप्टर 9 में से बस यही शॉर्ट क्वेश्चन है। अब चैप्टर 10 की बात करते हैं। चैप्टर 10 की अगर बात की जाए उसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट क्या होती हैं, इस्केप सीक्वेंस क्या है, गेट फंक्शन क्या है, यूजेज ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, उनके इस्तेमाल, यूज़ ऑफ स्कैन फंक्शन, स्कैन फंक्शन का यूज़, उसके बाद कंट्रोल SCR फंक्शन क्या है, उसके बाद प्रिडिक्ट द इनपुट, उसके बाद ट्रेस द एरर इन फॉलोइंग कोड्स, उसके बाद लिस्ट सम इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर इनपुट्स, इनपुट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो आपने याद। चैप्टर 11 की बात करते हैं। चैप्टर 11 की अगर बात की जाए तो इसमें से कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, फाइंड आउटपुट, आउटपुट को किस तरह फाइंड किया जाता है, एक्सप्लेन इफ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, फाइंड एरर, एरर को कैसे फाइंड करेंगे, उसके बाद राइट सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए का जो सिंटैक्स है वो आपने लिखना है, व्हाई ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन अ स्विच स्ट्रक्चर, स्विच स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज की जाती है, स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, ये चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 के जो शॉर्ट क्वेश्चन। अब चैप्टर 12 की बात करते हैं। चैप्टर 12 की अगर बात की जाए तो उसमें व्हाइल लूप क्या है, सेंटाइल कंट्रोल क्या है, सिंटैक्स फॉर लूप, लूप का जो सिंटैक्स लिखा जाता है वो आपने याद करना है, सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप के लिए जो सिंटैक्स होता है वो आपने लिखना है, उसके बाद व्हाट इज इटरेशन क्या है, इटरेशन क्या है, ये चैप्टर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अगर चैप्टर 13 की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले है डिफाइन फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन करना है, लिस्ट सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फंक्शन, फंक्शन को यूज करने के कुछ फायदे आपने लिखने हैं, उसके बाद लोकल वेरिएबल एंड इट्स स्कोप, जो लोकल वेरिएबल है और उसका स्कोप ये आपने लिखना है, कंपेयर लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का मुवाजना करना है, उसके बाद फंक्शन सेल क्या होते हैं, उसके बाद एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये चैप्टर 13 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम अब बात करते हैं चैप्टर 14। चैप्टर 14 की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले कंपेयर बाइनरी एंड टेक्स्ट स्ट्रीम, यानी बाइनरी और टेक्स्ट स्ट्रीम को कंपेयर करना है, बाइनरी सिस्टम क्या है, टेक्स्ट फाइल क्या है, फाइल लोस्ट क्या होती हैं, उसके बाद डिस्क्राइब प्रोजेक्ट फाइल इन वीबी, वीबी के अंदर विजुअल बेसिक के अंदर जो प्रोजेक्ट फाइल है वो आपने एक्सप्लेन करनी है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो के मुतालिक आपने लिखना है। चैप्टर वाइज आपको बता दिया गया है कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात हो चुकी है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ, यानी कि कौन से ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो उसमें यूनिट 3 के अंदर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डाटा मॉडलिंग, व्हाट आर इंटीग्रेडियंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग, डाटा मॉडलिंग क्या है और उसके इंटीग्रेडियंट्स क्या हो रहे हैं, ये है यूनिट 3 का जो लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद यूनिट 6 के अंदर आए, उसके अंदर है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल इन एमएस एक्सेस, यानी जो डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल होती हैं एमएस को एक्सेस करने के लिए उनको आपने एक्सप्लेन करना है। इसी के बाद यूनिट 6 के अंदर ही है डिफाइन क्यूरी, क्यूरी को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ वाइल्ड कार्ड्स इन क्यूरीज, यानी वाइल्ड कार्ड को क्यूरीज के अंदर यूज़ किया जाता है विद एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद यूनिट 6 के अंदर ही है डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ मॉडिफाइंग अ टेबल, यानी टेबल को मॉडिफाइंग करने के लिए जो मेथड्स हैं वो आपने याद। अब यूनिट 8 के अंदर आए, उसमें जो पहला क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। उसके बाद यूनिट 8 के अंदर दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाइल राइटिंग अ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम लिखा जाता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरर कैन अकर जो है वो आ सकते हैं, विच वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू लोकेट एंड रिमूव, और उन्हें लोकेट और रिमूव करने के जो डिफिकल्ट है वो आपने जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद यूनिट 8 के अंदर जो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, हाउ विल यू क्रिएट, आप कैसे क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे, कंपाइल करेंगे, लिंक एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को। उसके बाद यूनिट 8 के अंदर
क्वेश्चन है डिफाइन अ लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर, जो लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर उनको डिफाइन करना है। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, और लैंग्वेज प्रोसेसर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उन्हें आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यूनिट 11 में आए, उसका जो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट्स अ करेक्टर, एक प्रोग्राम लिखे जो कि इनपुट ले करेक्टर में एंड चेक, और चेक करें विदर इट इज़ अ वोवल, या ये वोवल है जो करेक्टर दिया गया है, और या कॉन्सोन्यूटिक एंड नेंट यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। उसके बाद चैप्टर 11 के अंदर ही है राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट अ ईयर्स एंड फाइंड, यानी एक प्रोग्राम लिखें जो कि साल जो आपने इनपुट लेनी वो ईयर्स लेनी है, एंड फाइंड, और फाइंड करना विदर इट इज़ अ लीप और नॉट, या ये लीप ईयर्स है या फिर नहीं, यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज करते हुए। उसके बाद चैप्टर 11 के अंदर ही जो लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखे डैट इनपुट्स अ नंबर, जो इन एक नंबर को इनपुट ले एंड टेल्स, और बताए कि विदर इट इज अ इवन और ओड, ये इवन है या ओड है, यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर, इफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज करते हुए। इसके बाद चैप्टर 12 के अंदर आए, उसमें है क्वेश्चन व्हाट इज अ व्हाइल लूप, व्हाइल लूप क्या है, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जांपल, एग्जांपल के साथ एंड फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट के साथ। उसके बाद चैप्टर 12 के अंदर ही है व्हाट इज डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप क्या है, राइट इट्स सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स लिखें, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ। चैप्टर 12 के अंदर ही है व्हाट इज नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप क्या है, एक्सप्लेन इसको एक्सप्लेन करें एग्जांपल और फ्लो चार्ट के साथ। उसके बाद चैप्टर 12 के अंदर ये है व्हाट इज फोर लूप स्ट्रक्चर, फोर लूप स्ट्रक्चर क्या है, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल एंड फ्लो चार्ट, इसकी वर्किंग को एग्जांपल और फ्लो चार्ट के साथ लिखना है आपने। इसके बाद ही चैप्टर 12 के अंदर व्हाट इज फोर लूप स्ट्रक्चर, फोर लूप का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी भी वर्किंग एग्जांपल और फ्लो चार्ट के साथ आपने बयान करनी है। डिफाइन डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम की तारीफ करनी है, एक्सप्लेन एनी थ्री कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, और डेटाबेस सिस्टम के जो थ्री कंपोनेंट्स है कोई भी थ्री कंपोनेंट को आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज की, की क्या है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ की, और डिफरेंट टाइप्स जो है कीज की वो आपने बयान करनी है। यूनिट 1 के अंदर ये क्वेश्चन व्हाट इज ईआर मॉडल, ईआर मॉडल क्या है, व्हाट आर सिंबल यूज्ड इन ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम के अंदर कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं। यूनिट 3 का ये लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट इज फील्ड प्रॉपर्टी, फील्ड प्रॉपर्टी क्या है, डिस्कस डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज इन डिटेल, यानी फील्ड प्रॉपर्टी की जो डिफरेंट फील्ड है उनको आपने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। यूनिट 6 का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके बाद यूनिट 3 के अंदर ही लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप विद डिटेल्स, एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको आपने डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है, ये यूनिट 3 का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद यूनिट 8 के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट इज अ प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, डिस्कस टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो कैटेगरीज हैं मेन कैटेगरीज उनको आपने एक्सप्लेन करना है। लो जी, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों की बात हो चुकी है, इंशाल्लाह आप इनको करें आपकी काफ़ी हेल्प होगी एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर। इसी तरह मजीद एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका फ़ायदा ये होगा जो भी वीडियोस आएगी गैस से रिलेटेड या फिर नोट्स से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उससे हेल्प ले सकें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए सब्जेक्ट के गैस के साथ। अल्लाह।